हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप? और मैं हूँ आपका दोस्त CW7। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम फ्रॉस्टी बाइट और वेरी न्यूक्लियर को देखने वाले हैं। ऐसे वो वेरी न्यूक्लियर तो चॉप ही है, लेकिन मैं फ्रॉस्टी बाइट गेमिंग नहीं दिखाने वाला, क्योंकि उसमें वो फ्रॉस्टी बाइट होता है। तो आप बताना कि आप कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट कौन है, चॉप या फिर फ्रॉस्टी बाइट। और अभी हम आज का वीडियो नहीं देखना। ये क्या कौन? अच्छा ये मुझे लगा ये कौन दिन गेम गई है, तो मुझे लगा ये तो वो वेरी निकली यार है। इसमें देखना आपको मैं दिखाऊंगा ये चॉप ही है। ये देखियो फ्रॉस्टी ना 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 वैसे भाई ये न्यूक्लियर की स्पेलिंग गलत है। ये क्या छोड़ा, आज की ही वीडियो देख लेते। वैसे भी ये चॉप ही है, तो ये है आज इसकी वीडियो। Roses are red, violets are blue, why haven't you subscribed? क्या यार आजकल आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरे दो दो प्यारे प्यारे से नन्हे से डॉगी से, उनको खाना भी तो देना होता है ना, तो अगर आप लोगों ने नहीं करे तो जल्दी से कर दो। और गाइस अब हम कबाड़ी वाले बिजनेस में आ गए हैं, अब से हम लोग बन गए हैं प्रोफेशनल गाड़ी फिक्सर। हम लोग सुपर कार कालू को ढूंढेंगे और उन्हें वापस से जिंदा करेंगे। तुम करोगे क्या? अरे नहीं चौप, अभी मेरे में इतना ज्यादा टैलेंट नहीं है, बट उस चीज के लिए हमारे पास एक प्रोफेशनल है तो सही। कौन है? वही जिनकी शॉप के अंदर अभी तुम लोग हो। अच्छा से जिंदा करेंगे, तुम करोगे क्या? अरे नहीं चौप, अभी मेरे में इतना ज्यादा टैलेंट नहीं है, बट उस चीज के लिए हमारे पास एक प्रोफेशनल है तो सही। कौन है? वही जिनके शॉप के अंदर अभी तुम लोग हो। अच्छा टीटू क्या? एग्जैक्टली। और गाइस अगर आप लोग अभी भी टीटू पे शक करते हो तो ये देखिए, देखा कितनी जल्दी गाड़ी ठीक कर दी। रुको गाइस, मैं आप लोग को इनके शॉप का टूर दे देता हूं। बड़ी कमाल की शॉप है यार, ये बिल्कुल अपने थ्री इडियट्स के फुंसुक वांगड़ी जैसे है गाइस। आप लोग देख रहे हो चारों तरफ चीजें ही चीजें। ये स्क्रू निकाल के फिट कर देता है ना वापस। हां बे, अब सब तेरी तरह हगोड़े थोड़ी होते। बाय द वे गाइस, ये अपने टीटू देखने में काफी नॉर्मल लगते हैं, ये सर के ऊपर से भी बाल उड़ रहे हैं। मैं बोलता हूं इनको कि अपना थोड़ा केयर कर लो, लेकिन सो गाइस अगर आप लोगों को भी आपके अकाउंट के अंदर बिल्कुल फ्री में और बहुत ही इजी नहीं चाहिए डायमंड नहीं, इन्हें तो यही चीज करनी है। और यहाँ पर चारों तरफ अश्लील फोटो लगा रखी है इनने। इस तरफ क्या? अरे हाँ यहाँ तो अपने पेंट वाला एरिया है जहाँ गाड़ियों में पेंट होता है। एक दिन यहाँ पर बॉब के मुंह में जोकर वाला पेंट मारेंगे, वैसे ही जोकर लगता है, डबल जोकर लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि तो दुनिया का सबसे बड़ा हगोड़ा है। और ये क्या भाई, यहाँ पर तो इसके पास डोर भी है। यो व्हाट्सअप, सब बढ़िया, मी जस्ट चिलिंग, पूछे मी नहीं जस्ट चिलिंग। और गाइस यहाँ पर और भी इक्विपमेंट्स है, एक बार बाहर जाके देखते हैं कि क्या सीन है। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, एकदम बस बस गाड़ी मिलने वाली हम लोग को। और ये क्या है सिलेंडर, ये बेकार सिलेंडर है। अरे आग लग गई। अब उनको तो लगा कि नॉर्मल सिलेंडर है, बट ये तो गोस्ट राइडर निकला। अरे फटेगा तो नहीं? फट गया, तेरे मुंह पर फटना चाहिए था, मजा ही आ जाते। ऐसे थोड़ी फटेगा भाई। रुको गाइस, हम लोग अपनी गन अंदर रख लेते हैं और चलते हैं अपनी कमाल की गाड़ियों को रिस्टोर करने के लिए। ये तो मिलिट्री बेस है। ये मिलिट्री बेस है, बट हम लोग मिलिट्री बेस में नहीं जाने वाले। हम लोग यहाँ से लेने वाले एक शार्प लेफ्ट। चढ़ जाओ और अपने प्लेनेट चले जाओ, अभी घर जाने में थोड़ा टाइम है। और वैसे भी हम लोग यार घर जाने के लिए थोड़ी आए हैं, कार रिस्टोर करने के लिए आए हैं। और या तो सिर्फ मिलिट्री व्हीकल से क्रिय है, सुपर कार्स नहीं। डोंट वरी चॉप, मेरे सूत्र बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। और यार ये यूएफओ तो बड़ा कमाल का लग रहा है, देखो तो सही कितना बड़ा है। छी छी कितना कीचड़ है, मेरे जूते खराब हो जाएंगे। ये क्या हो गया आज, एलियन आप ऐसे खड़े क्यों? क्योंकि एक गंदा एलियन है आसपास, देख तो सही कितने सारे लोगों को मार रखा है। और गाइस ये वाला एक बहुत गंदा है, कभी खाना मत। मैं एक वीडियो में खाया था और एलियन बन गया था। वैसे भी हम लोग को एलियन थोड़ी बनना है, हम लोग को गाड़ियां ढूंढनी है। सो वी हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल डिटेक्टिव। अबे यार झाड़ियों में देखो, वेरी गुड आइडिया चॉप, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट बन रहा है, कितनी ऊंची घास है यार। मेरे सूत्रों ने तो बोला था कि यही पर होगी, धोखा पोखा तो नहीं, यही है क्या? ये तो उड़ गई। अब क्रैश हुआ है तो ऑब्वियसली उड़ेगी। बाप रे ये कैसे एग्जॉस्ट सिस्टम है भी, इतने खतरनाक। चलो जल्दी से इसको टीटू के पास ले जाते हैं। अरे एक और एलियन आ गया, बिजमी खेल खेल के रिफ्लेक्स तेज हो गया। ये टीटू इसको ठीक कर पाएगा क्या? ओ भाई उसको कम मत समझो, अभी गाड़ी ला रहा हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। यूएफओ में से अचानक से धुआं कैसे निकलने लग गया, पहले तो नहीं था ना? नहीं लगता है ब्लास्ट होने वाला है। नहीं मेरे को भी नहीं मरना है, जल्दी निकालो इस गाड़ी को, लग जा हुक लग जा। मैं तो भूल ही गया था गाड़ी को सीधी करनी होगी वरना हुक नहीं लगती। ये और मैं ऐसे क्यों बात कर रही है, लगता है पैनिंग में
पागल हो रही। ये तो सीधा ही नहीं हो रही, कुछ चुंबक लगा रखा है कि चिपकी हुई भी क्या है, कितना घसीटूं इसको मैं। प्लीज अब तो सीधी हो जा, हवा में भी उड़ गई। ऑलराइट, तो अब मेरा हुक लग जाना चाहिए, लेट्स ट्राई इट आउट। और ये गाड़ी को चलाना इतना मुश्किल क्यों है, प्लीज लग जा यार। लग गया, ऑलराइट, तो गाइस लेट्स गो टू T2। वो ये वाली गाड़ी तो सेमी फ्यूचरिस्टिक लग रही है, सेमी एलियन वाली स्पेसशिप तो नहीं है कोई। क्या ही डिजाइन है यार, कितनी कमाल की लग रही है, और आगे से इसकी लाइट्स भी देखो कितने कमाल की है। चलो इसमें डिस्क लाइट लगाते हैं। कौन सा कलर सही रहेगा इसके ऊपर यार, ऐसा कलर चाहिए जो बिल्कुल पॉप करे, और आई थिंक ये वाला कलर अच्छा है। ओ भाई पीछे से इसका डिजाइन तो देखो कितना कमाल का, और क्या लिखा है, सुपर फास्ट। सुपर फास्ट, अच्छा जी हम भी देखते हैं कि ये कितनी फास्ट है। इतनी भी फास्ट नहीं होगी गाइस, नॉर्मल सी। ओके थोड़ा एक्सेलरेशन इसका तेज है, आराम से जाना पड़ेगा। अरे 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 अरे, वी हैव टू बी केयरफुल। अभी अभी इसको ठीक करवाया है मैंने, और ये कुछ सही में ज्यादा तेज है। अगली गाड़ी यहीं पर कहीं क्रैश हुई थी यार, ढलान ढूंढनी पड़ेगी। रुको इनसे पूछते हैं। सर रुको ना। ओ नो, ये क्या कर दिया मैंने, तो इसकी गाड़ी चिपका दी। इसको भी लेकर आ जा, नहीं रिलीज हो जाना यार, क्या हो रहा है, चिपक कैसे गई, छूट जा। फेंकने वाली ट्रिक तो काम कर गई। सर मेरे को माफ कर दो, गलती से आपकी गाड़ी चिपक गई थी, बस आपकी दो तीन हड्डी टूटी होगी, ज्यादा नहीं। बाय बाय। लगता है वो टपक गया, अब क्या करे। लॉस सैंटोस वाले कितनी गंदी ड्राइविंग करते, ये देखो सीधा आके मेरे को ठोक दिया। छी भाई, यही तो नहीं है वो ढलान, देख तो वही लग रहा है। आज चलते हैं। इस वाली कार को क्या हुआ था? नहीं गाड़ी तो बिल्कुल सही थी, बस चलाने वाला नशे में था। कैसे बेवकूफ पोलर बियर है, पानी पीने की कोशिश करी आ, भाग जाओ, ट्रक देख के फड़ गई, कितने सस्ते पोलर बियर है। वो पोलर बियर थोड़ी है, शांत रहे अनपढ़, तुझको क्या पता। आगे लेफ्ट साइड में देखो। अरे क्या बात है, वेरी गुड जॉब, बॉब जॉब को देख के कुछ सीखना। ये वाली गाड़ी तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लग रही है। इसका छत गायब है या डिजाइन है? जैसे तेरा दिमाग गायब है वैसे इसका छत गायब है। क्या बात, तो ये एस्टन मार्टिन की गाड़ी है, ये जेम्स बॉन्ड की गाड़ी मिल गई। स्माइली बना देते, बॉन्ड की गाड़ी मिली है ये। इसको निकालने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सीधी है। और तू टेढ़ा, और तू है गुड़े, डिस्टर्ब मत कर यार, काम कर रहा हूं। ओके तो ओके, यहाँ पर अटैच होने में थोड़ी दिक्कत होगी, हो जाना चाहिए। अरे कितने आराम से हो रहे। ओके तो लेट्स गो। और ये पोलर बेयर के बच्चे बीच में क्यों आ गए, टीवी में एक्टिंग करते हैं ये लोग। जब शेर को देखते तो कितनी तेज भागते, और अब देखो कितना स्लो भाग रहे हैं। अपनी मुंडी निकाल विंडो से बाहर, उससे भी ज्यादा तेज भागेंगे। उससे अच्छा मैं तेरा मास्क बना देता हूँ, चीता बन जाएंगे ये लोग। ये तो बहुत मस्त लग रही है यार, गाइस आप लोग देख रहे हो कितनी ऑसम है, इसका येलो ट्रिम कितना अच्छा लग रहा है। मेरे को तो लगा था कि आधी ही गाड़ी मिली, और ये देखो इसके हेडलाइट्स पे तीन तीन डिफरेंट लाइट्स लगे हुए हैं। रुको इसका बैक साइड देखते हैं, कैसे देखते थे। ओ माय गॉड, कितनी कमाल की लग रही है गाइस। इस वाली गाड़ी पे क्रोम पिन बड़ा गजब लगेगा, इतना भी अच्छा नहीं है। रुकना, अभी धूप में ले जाएंगे तब देखना कितनी मस्त चमकती है। ओके तो गाइस इसमें मस्त वाली लाइट्स लगा दी है, अब बाहर जाके देखते हैं कि ये कैसी दिखती है। आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि इसे 10 स्टार्स में से कितनी रेटिंग दोगे। और ये गमेश स्टीयरिंग व्हील गायब है, ये क्या हो गया, टीटू भैया मैजिक मैजिक तो नहीं कर दिए। गाइस आप लोग देख रहे हो गाड़ी गायब हो गई, ये देखो नीचे का फ्लोर भी गायब है, मैंने कोई गलत बटन तो नहीं दबा दिया। हेलो क्या हो रहा है यार, मेरी गाड़ी गायब हो गई, ये क्या स्कैम हो गया। डोरेमोन मेरी गाड़ी गायब हो गई, डोरेमोन मेरी मदद करो ना डोरेमोन। गाइस मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता गाड़ी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई, अंदर से भी बहुत अच्छी है ये। अब स्पाई वाली गाड़ी है, अंदर से अच्छी तो होगी। और ये क्या यार, ये बीच का पिलर बड़ा अजीब से, और देखो तो उसे डू नॉट स्टेप करके लिखा हुआ है। और गाइस हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, हम लोग को और गाड़ी भी तो रिस्टोर करनी है। कबाड़ गाड़ी की तरफ क्यों जा रहा है। अब जिन गाड़ियों का क्रैश हो जाता है उन गाड़ियों को ऐसी जगह तो फेंकते हैं। यार तेरे को कचरे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तेरे को भी तो मैंने यही से उठाया है। झूठ बोल रहा है बॉब, वो तो मजाक कर रहा था, तुम दिल पे क्यों ले रहे हो। इसकी तो बॉब के हगोड़े से रोंदड़ों में तरक्की हो गई। और ये देख यहाँ पर बाइक है, तो गाड़ी तो मिलनी चाहिए यार। गाड़ी या तो नहीं है, नहीं या तो सिर्फ टायर है। कूड़े के डब्बे के अंदर इतनी बड़ी गाड़ी कैसे मिलेगी। तीसरी बार अपनी जिंदगी में कुछ सही बोला तूने। ये देखो गाइस यहाँ पर तो गाड़ियाँ भी है, हम लिख के सुपर कार ढूंढना है, बस वो तो नहीं है। लाल कलर की चमक तो रही है, और ये मर्सिडीज है क्या।
शूट क्यों करा? गलती से मिस्टेक हो गई। अब तो ये गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो सकती। ना, तुमने टीटू को कम समझ रखा है क्या? और यार इसका डोर देखो कितनी दूर तक उड़ कर आया है। हो जाएगी ब्रो रिपेयर, हमें बस इसको यहाँ से निकालना है और वहाँ तक ले जाना है और फिर रिपेयर करना है। और गाइस मेरे को बहुत देर से खुजली हो रही है यार, एक चीज करनी है गाड़ी के साथ। रुको, वो क्या है? वो ना मैं अपनी गाड़ी को भी कैनन बनाऊंगा। रुको, इसे ऐसे झुला झुला के आगे वाले पे मारना है यार। ये बच गया, रुको एक और टारगेट मिलेगा। ये रहा आगे, ये सुपर कैनन बॉल हिट। अरे भाई क्या गाड़ी ना निकल जाए। रिपेयर होने के बाद ये इतनी खराब भी नहीं लग रही यार, इसको तो हम काफी पैसों में बेच सकते हैं। ऊपर से ये मर्सिडीज भी है। हाँ, और ऐसा भी नहीं है इसका डिजाइन बेकार है गाइस, बहुत ही मस्त डिजाइन है। साइड में आप लोग देख रहे हो शार्क्स वाले गिले है इसके पास, कुछ चमकता और पेंट मारेंगे यार। ब्लैक वाला ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इसके ऊपर, व्हाइट वाला तो कुछ ज्यादा पुराना लग रहा है। रेड ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, पिंक नहीं करना, येलो ये अच्छा है। नहीं, वो कहा गया लाइम ग्रीन चाहिए था भाई मेरे को। रुको, ये वाला है ना शायद। पूरी माउंटेन ड्यू लग रही है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे स्पीड है। चलो अब इसको धूप में ले चल के देखते हैं यार। इसको गैराज के अंदर थोड़ा लाइट्स मारना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, वैसे भी ये पूरा डेजर्ट एरिया है तो एकदम मस्त धूप पड़ती रहती है। और ओ गाइस कितनी कमाल की लग रही है। इसके एग्जॉस्ट भी साइड में लगे हुए हैं। अंदर से ये थोड़ी क्लासिक लग रही है, मतलब इतना एडवांस तो नहीं लग रहा, बट नॉट बैड। एक काम करते हैं, इसको साइड में रख देते हैं, बाद में बेच देंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट व्हीकल की तरफ। ये जगह तो जानी पहचानी सी है, क्योंकि बहुत थोड़ी टाइम पहले हम लोगों ने यहाँ पर रेस करा था। यहाँ पर क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा सैड स्टोरी है। जो यहाँ का मालिक है ना, उसने नई चमचमाती हुई सुपर कार ली, और उसके बाद क्या हुआ? उसको अचानक से बहुत तेज सूसू आई, तो गाड़ी पार्क करके वो भूतने चले गए, और फिर उसके बाद उसके गाड़ी के ऊपर पिलर गिर गया। कौन सी गाड़ी है ये? इस गाड़ी का नाम एल से स्टार्ट होता है और आई से खत्म। ये कौन सी गाड़ी है? क्या बहुत इजी आंसर नहीं आता तेरे को? अब तक तो अपने न्यूक्लियस में कमेंट भी कर दिया होगा। उसका नाम लंबोर्गिनी है क्या? बिंगो। और वो देखो लंबोर्गिनी बोलते ही लंबोर्गिनी हम लोग को दिख भी गई। इसको निकालना तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल तो हो सकता है, और अगर सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मतलब बम लगा के उड़ा देंगे। और नहीं तो कहीं दी मोमेंट ऑफ ट्रूथ, क्या हमारी टो ट्रक इसको यहाँ से निकाल सकती है? लेट्स फाइंड इट आउट। बिल्कुल आराम आराम से जाना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो ये गाड़ी पिचक सकती है। हुक लग जा, लग गई हुक, लेट्स गो। अरे ये तो बड़ी आराम से निकल गई, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा जाना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो ये गाड़ी पिचक सकती है। हुक लग जा, लग गई हुक, लेट्स गो। अरे ये तो बड़ी आराम से निकल गई, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा जादू ही टूट रखे गए। चलो गाइस हम लोग अपनी लंबोर्गिनी के साथ बिल्कुल मस्त स्टंट मारते हुए निकलते हैं। ये मारो स्टंट। ठीक है ना, कभी कभी फ्रो लोगों से भी गलती हो जाती है। और यार ये ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रही है? यहाँ कीचड़ है ना, फिसल रही है। वैसे इसको चलाना मुश्किल था, अब और भी मुश्किल हो गई यार। ये क्या हो रहा है? सीधी हो जाओ ना लंबोर्गिनी, जल्दी से सीधी हो जाओ, मैं तुम्हें ठीक कराने ले जाऊंगा। हो गई। ओके, अब लंबोर्गिनी के बारे में क्या ही बोले गाइस, इतना कमाल का डिजाइन, पावर रेंजर्स वाली लाइट, और क्या व्हील्स है यार इसके, कितना अच्छा डिजाइन है। आज हम फुल अपग्रेड करते हैं आर्बर 100%, ब्रेक्स 100%, इंजन 100%, और यही इतनी तेज जा रहा हूं कि मैं कंफ्यूज ही हो रहा हूं। इसमें तो लिवरी का ऑप्शन भी है, बट यार इतनी ज्यादा खास नहीं लग रही। इससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ की इसके ऊपर कुछ अच्छा सा पेंट करा दूं। ओके तो गाइस लाइट लगवा दिया है नीचे और गोल्डन पेंट कर दिया है। यार कितनी कमाल की लग रही है ये, इसको चला के देखो ना। जरूर चलाएंगे, बट उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं यार, कुछ ज्यादा कमाल की लग रही है। अंदर से भी देखते हो, अब देखते हैं कि ये कैसी चलती है। वैसे ये लंबोर्गिनी है तो अच्छी चलनी चाहिए, जो कि चल रही है। और इसका हैंडलिंग कितना स्मूथ है। अब मेरे जैसा इतना घटिया प्रोफेशनल ड्रिफ्टर तो अच्छा ही चलाता है, बट अगर मैं एक नॉर्मल आदमी बनता हूँ तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी गाड़ी है। टीटू भैया हो इन द चैट। तो दोस्तों बस आज के लिए उनके लिए वीडियो का इतना ही, और मेरे वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय एंड पीस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ गया है? कहाँ गए तुम? हाँ अच्छा, तो तुम इधर हो। हाँ तब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अबे बंद हो जा।